दोस्तों आपने देखे होंगे कि बाइक में जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ रहता है उसमें छोटे छोटे होल बनी हुई रहती है। क्या आपको पता है कि उसका एक्चुअल में पर्पस क्या है? और क्या आपको ये पता है कि फिनलैंड में एक ऐसे ऑफिशियल स्पोर्ट्स है जिस स्पोर्ट्स में मोबाइल फोन को फेंका जाता है लिटरली? और इस इमेज को देख कर क्या आप ये बता सकते हो कि एक्चुअली में क्या है, मतलब किस चीज का फोटो है ये? इस इमेज का रियलिटी को जानकर आप चौंक जाओगे। तो कुछ ऐसे स्प्लेंडिफ्यूरस फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 20। दोस्तों अभी तक तो आपने बहुत सारे अजीबोगरीब स्पोर्ट्स के बारे में सुने होंगे या फिर देखे होंगे, लेकिन क्या आप एक ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं जिसमें मोबाइल फोन को फेंका जाता है कुछ इस तरह से? जी हाँ दोस्तों, ये स्पोर्ट फिनलैंड में एक ऑफिशियल स्पोर्ट भी माना जाता है। लेकिन ऐसा मोबाइल को फेंकना क्या मतलब, अजीब स्पोर्ट है यार। नंबर 19। आपको ये तो पता ही होगा कि गुस्सा कितना खराब चीज होता है, चाहे वो हमारे सेहत के लिए क्यों ना हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि गुस्सा का नेगेटिव साइड होने का साथ साथ कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है? और वो है, जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो हम लोग कोई चीज को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, या फिर हमारे मन के अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं उसे हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नंबर 18। और जापान में एक ऐसी टॉयलेट है जो कुछ इस तरह का दिखता है, और ये टॉयलेट ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी हुई है ताकि लोग बाहर से ये पता लगा पाए कि टॉयलेट क्लीन है या नहीं। लेकिन अभी आप सोचेंगे फिर ये कैसा टॉयलेट हुआ, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस टॉयलेट की खास बात तो ये है कि जब कोई टॉयलेट के अंदर जाके डोर को लॉक करता है तो ग्लास का कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद बाहर से और कुछ भी दिखाई नहीं देती है। वाओ क्या ब्यूटीफुल आइडिया है ना ये। नंबर 17। और क्या आपने कभी सोचा है कि स्पाइडर जो जाला बनाता है और जब कोई इंसेक्ट्स उसमें आती है तो वो चिपक जाता है, लेकिन स्पाइडर खुद क्यों नहीं चिपक जाता अपने जाला में? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि स्पाइडर जब जाला बनाते हैं तब वो दो प्रकार की सिल्क यूज करते हैं, यानी कि जिसे स्पिनरेट कहा जाता है, जिनमें से एक सिल्क स्टिकी होते हैं और दूसरा नॉन स्टिकी होते हैं। और जब स्पाइडर उन नॉन स्टिकी सिल्क पर चलते हैं और अगर वो स्टिकी सिल्क पर गलती से भी अपना पैर को फंसा लेते हैं तो फिर भी उनके पास 6 से 8 पैर होने के कारण वो बहुत आसानी से वहां से निकल जाते हैं। नंबर 16। और अब रोल्स रॉयस कार के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कार होने का साथ साथ बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। लेकिन रोल्स रॉयस के बारे में एक ऑसम फैक्ट ये है कि इस कार का केबिन इतना ज्यादा साइलेंट है कि अगर इसके अंदर कोई बैठता है तो वो क्लॉक का टिकिंग साउंड भी सुन पाएगा। नंबर 15। और दोस्तों कई बार हम लोग जब सोते हैं, यानी कि जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं, तब कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग उठ गए हैं और काम कर रहे हैं, और फिर से हम लोगों को याद आता है कि नहीं हम तो अभी सो रहे हैं। आई होप ये आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसे फॉल्स वेकिंग कहा जाता है। यार इतना दिन से पता ही नहीं था। नंबर 14। मंकी, ये नाम सुनते ही हम लोगों का मन में ये इमेज आती है जिसका साइज लगभग कुछ ऐसा होता है, लेकिन क्या आप इतना छोटा मंकी को कभी देखा है? नहीं ना। जी हाँ दोस्तों, ये मंकी रियल में ही मौजूद है और इस मंकी का साइज एक ह्यूमन फिंगर जैसा होता है, और इस प्रजाति को पिग्मी मर्मेसेट कहा जाता है। यह सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है ना ये मंकी, ब्यूटीफुल। नंबर 13। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या गान को स्पेस में चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, गान को स्पेस में चलाया जा सकता है, क्योंकि गान को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, तो स्पेस में ऑक्सीजन नहीं रहने का बावजूद भी गान को चलाया जा सकता है। और गान पाउडर जो होता है वो सेल्फ कंटेंट होता है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड नहीं होता है। यहाँ तक कि गान को स्पेस में बेहतर चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं रहने का कारण गान की बुलेट कंप्रेस नहीं होता है और वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जा सकता है। नंबर 12। और अभी तक तो आपने बहुत सारे एक्सपेंसिव चीजों के बारे में सुने होंगे, लेकिन अभी जिस टीथ को आप देख रहे हो दोस्तों, यह है दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टीथ, और ये टीथ सर आइजक न्यूटन का है। ये टीथ 1816 में $3,633 में बेचा गया था, जो कि आज के $36,000 के बराबर है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 22 लाख रुपए। इट्स अनबिलीवेबल। नंबर 11। हंसना हमारे सेहत के लिए या फिर हमारे दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को हंसने का कारण मौत हुई है? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई चीज का पॉजिटिव इफेक्ट्स होने का साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है, ठीक वैसे ही 1988 में एक व्यक्ति किसी कॉमेडी शो को देखते वक्त बहुत ही ज्यादा हंसने का कारण उनके हार्ट रेट अचानक से इंक्रीज होकर 250 से लेकर 500 पर मिनट हो गया था,
और जिसके कारण उनका हार्ट अटैक आ गया था। हालांकि ऐसे केस बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है। नंबर 10 और 1920 में हीगो जेंसबेक नाम के एक शख्स ने खासकर राइटरों के लिए एक ऐसा हेलमेट बनाए थे ताकि जब कोई इस हेलमेट को पहने उन्हें बाहर की कोई भी नॉइज सुनाई ना दे और वो अपने काम पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दे पाए। और इस हेलमेट को द आइसोलेटर के नाम से जाना जाता है। और ये हेलमेट को बनाने का बस एक ही मकसद था कि इसका उपयोगकर्ता अपने काम पर अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। वाह लाजवाब, व्हाट एन आइडिया सर्च, व्हाट एन आइडिया। नंबर 9 और इस इमेज को अभी ध्यान से देखो आप, ठीक है, और गेस करने का कोशिश करो कि ये क्या चीज हो सकता है, मतलब किस चीज का फोटो हो सकता है ये। आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना। ओके, इसको थोड़ा जूम किया जाए तो अभी आप समझ रहे होंगे कि ये क्या हो सकता है। नहीं, अब देखो दोस्तों, ये एक बाइक ग्रेवियर्ड है, यानी कि बाइक का कब्रिस्तान, और जो कि चाइना में स्थित है। बट ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसा कोई प्लांट है ना। नंबर 8 और इस बिल्डिंग को देखो दोस्तों, ठीक है, अगर इस बिल्डिंग को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई विजुअल इफेक्ट है तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बिल्डिंग कोई विजुअल इफेक्ट नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग को 7 टॉन्स वायर को यूज करके बनाया गया है और जो कि इटाली में देखने को मिलता है, जो कि सच में ही ऑसम है। नंबर 7 और दोस्तों, क्या आप एक ऐसी ट्री के बारे में सोच सकते हैं जिस ट्री में एक नहीं बल्कि 3 से 7 डिफरेंट फ्रूट्स हो सके। आपको ये सुन के लग रहा होगा हाँ ये कैसा बात हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसी ट्री मौजूद है जिस ट्री का नाम है फ्रूट स्लैट ट्री। और जैसे कि मैंने बताया, इस ट्री में आपको 3 से 7 प्रकार की फ्रूट्स देखने को मिलता है। नंबर 6 और निकोला टेस्ला को तो आप जानते ही होंगे, तो निकोला टेस्ला के बारे में एक फनी फैक्ट है। निकोला टेस्ला ने 1898 में एक रिमोट कंट्रोल्ड बोट बनाए थे और जब उन्होंने उस बोट को पब्लिक को दिखाया और जब उन्होंने उस बोट को स्टार्ट किया तो लोग सोचने लगे कि ये बोट कोई स्मार्ट एंड ट्रेंड मंकी अंदर से इसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उस वक्त सच्चाई सिर्फ निकोला टेस्ला को ही पता था। नंबर 5 और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां पर मस्कीटोज एंड स्नेक नहीं रहता हो, सिंपली आप बोलेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर कोई मस्कीटोज एंड स्नेक्स नहीं होता है। यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत ही कम प्रजाति की स्पाइडर मौजूद है जो कि ह्यूमन के लिए बिल्कुल हार्मलेस है, और वो जगह है आइसलैंड। नंबर 4 मिली एक कला का स्काल से, और ये व्यक्ति नाम के साथ साथ दिखने में भी बड़ा अजीब है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे दिखने के लिए जानबूझकर अपने नाक को आधा काट दिया था और साथ ही साथ अपने कान को भी, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद था ताकि ये एक स्काल की तरह देख सके। मतलब क्यों भाई क्यों, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये। नंबर 3 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसराइल में एक ऐसी जगह है जहां पर सुकर पालना पूरी तरह से इल्लीगल है, अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उन्हें जेल भी हो सकता है। नंबर 2 एग्जम, ये एक ऐसी वर्ड है जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों का बुखार आ जाती है, और उनमें से मैं भी हूँ एक बाय द वे। लेकिन दोस्तों सोचो अगर ऐसा हो कि एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स को पानी, चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच और चाय दिया जाए तो कैसा होगा। हाँ भाई जानता हूँ ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन सऊदी में कुछ इसी तरह से एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है, जहाँ पर एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह के फूड्स सर्व किए जाते हैं। प्लीज यार ऐसा हमारे देश में भी हो जाए, लेकिन जो भी हो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नंबर 1 दोस्तों, अपने बाइक पर डिस्क ब्रेक का प्लेट में कुछ इस तरह के होल देखे होंगे और आपने सोचे भी होंगे कि ये क्यों रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको इसका रियल पर्पस पता है, अगर नहीं तो बता दो दोस्तों, ये होल का रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो है कि जब हम लोग रनिंग बाइक में डिस्क ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो उस वक्त डिस्क प्लेट में जो हीट जनरेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत हद तक हेल्प करता है, या फिर डिस्क पैड में से पानी को निकालने में भी मदद करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को लेकर जो आपके नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज कर देती है। सो फॉर टुडे, जय हिंद जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।